जिस तरह से आज किसानों ने कृषि बिल की नाराजगी के चलते रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था और किसानों द्वारा आज 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन चला जा रहा है, जिसका जायजा लेने हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार दिल्ली के सबसे व्यस्त स्टेशन हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचे। तो देखिए क्या तस्वीरें रही वहाँ की हमारे संवाददाता के साथ। मैं हजरत निजामुद्दीन के रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ हूँ। आज किसानों ने रेल रोको अभियान का आह्वान किया, जिस तरीके से 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, यानी 4 घंटे तक के लिए रेल रोको अभियान का आह्वान किया। और आज मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ हजरत निजामुद्दीन की। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से ट्रेनों का आवाजाही यहाँ लगी हुई है। और अभी राकेश टिकैत, यानी किसान नेता राकेश टिकैत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि हमारा जो रेल रोको अभियान है वो 26 जनवरी की तरह अब उपद्रव फैलाने का नहीं है। हम लोग, उन्होंने निवेदन किया है किसानों से कि शांतिपूर्वक हमारा जो रेल रोको अभियान वो चलेगा, और किसानों से भी निवेदन किया है कि आराम से ही ट्रेन रोकें, कोई परेशानी लोगों को ना हो, जनता को ना हो। इसी बीच हम ये तस्वीरें आपको हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जो राजधानी की दिल्ली की मुख्य स्टेशन है, यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की आवाजाही, ट्रेनों की आवाजाही यहाँ लगी हुई है बाकायदा हर जगह। और अभी मैं समय बता देता हूँ कि लगभग 12:30 बज चुके हैं, 12:30 हो चुके हैं, और अभी तक यहाँ पर किसानों का कोई रेल रोको अभियान दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर बाकायदा लोग आज आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रेनें आ रही हैं। अभी अभी 2 ट्रेनें आई हैं, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेनें यहाँ खड़ी हुई हैं और यहाँ से जाने की तैयारी में हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि रेल रोको अभियान में काफ़ी जगह किसान स्टेशनों पर पहुँच गए हैं और ट्रेन के पटरी के आगे बैठ गए हैं। उनका यही कहना है कि हमारा कोई किसी को कोई परेशानी पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ आराम से रेल रोको अभियान आज करेंगे। और ये इनका 12 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक चलेगा और 4 बजे ये समापन हो जाएगा। और जिस तरीके के प्रशासन की जो भीड़ देखने को मिल रही है, जो सुरक्षा देखने को मिल रही है, वो इसलिए की गई है क्योंकि 26 जनवरी को जो किसानों के बीच, यानी किसानों के बीच में आकर कुछ लोगों ने उपद्रव फैलाया है, उसको देखते हुए ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। मैं निजामुद्दीन से ब्रजेश कुमार ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं खुद इन तस्वीरों में कि किस तरीके से रेल रोको अभियान के लिए ट्रेनें यहाँ पर, लेकिन निजामुद्दीन में ये सब देखने को अभी तक नहीं मिल रहा है। ये ट्रेन जो है मैं दिखा रहा हूँ, ये स्टार्ट हो गई है और यहाँ से निकलने के लिए रवाना हो रही है। अब ये किस मोड़ से, किस रूट से जाएगी, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन क्योंकि कुछ किसान वहाँ बैठे हुए हैं और क्या वहाँ का व्यवस्था है, और प्रशासन की जो दिल्ली पुलिस की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, वो इसलिए हो रही है दिल्ली पुलिस की व्यवस्था क्योंकि जो 26 जनवरी को जो घटना घटी, 26 जनवरी को हमारे देश में जो आपत्तिजनक तस्वीरें देखने को मिली हैं, उसके लिए ये दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा है वो इस तरीके से देखने को मिली, वो बहुत अच्छी है। और आज भी दिल्ली पुलिस की सुरक्षा बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। मैं आपको दिखा दूं कि ये ट्रेन अभी चलने वाली है और ये यहाँ से निकलेगी, रवाना होगी, और निजामुद्दीन में अभी तक किसानों का कोई भी रेल रोको अभियान देखने को नहीं मिल रहा है।